मैं आज आप लोग को बेंच वाइस के बारे में बताऊंगा, जो कि उसका उपयोग कैसे करते हैं, बेंच वाइस में कैसे जॉब को लगाते हैं, कोई भी टूल्स या कोई भी पार्ट्स को लगाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आप लोग देखिए। तो चलिए, ये रहा बेंच वाइस आपका, देख लीजिए। ये जो है आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो पार्ट्स घूम रहे हैं, इसको जिसको हम पकड़े हुए हैंडल हुआ, ठीक है, इसको हम पकड़ के ये कर रहे हैं। देखिए इसमें एक पार्ट्स जो है आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, इसमें एक पार्ट्स मेरे आगे पीछे हो रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ई देख रहे, पहले थोड़ा देखिए, अब थोड़ा इसका जबड़ा आगे जा रहा है, देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखिए, हो गया। इसको अब खोल रहे हैं तो देखिए बड़ा हो रहा है। इसमें आगे निकल कौन रहा, बड़ा कौन और ई हो रहा है, ई हो गया मूवेबल, यानी कि आगे पीछे सरकने घसकने वाला, ठीक है। ई हो गया फिक्स, ठीक है, ई फिक्स हो गया, फिक्स जाओ मूवेबल, मूवेबल जॉब जो जॉब आगे पीछे होते हैं। और इसमें ई स्पेस में हम कोई जॉब को फंसा के इससे टाइट करते हैं और उसको हम फिनिश करते हैं फाइल के द्वारा। आपको वो भी दिखाते हैं कैसे इसमें टाइट करते हैं जॉब और कैसे फिनिश करते हैं। देखिए ये आपका पार्ट्स हो गया है, ठीक है, इसको हम इसमें मशीन में लगा के आपको दिखाते हैं कैसे इसमें इसको टाइट करते हैं। तो आप लोग देखिए इसको कैसे टाइट करते हैं, इसको देखिए ध्यान से। आइए इस तरह से इसमें अब टाइट कर दिए, देखिए ये हिल रोल नहीं रहा, और इस पे देखिए किस तरह से फाइल फोटो भेजिएगा हम घर में का। हाँ देखिए आगे पूछ, आपको बोलिए किस तरह से फाइलिंग किया जाता है, इसको देख लीजिए। ये पार्ट हिल नहीं रहा, इसलिए बेंच वाइस में इसका उपयोग करते हैं। बेंच वाइस में फंसने के बाद इसमें हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं जिसमें मेरा पार्ट्स नहीं हिले, इसलिए इसको बेंच वाइस बोलते हैं। इसमें फिक्स जॉ रहते हैं जो आप लोग को दिखाए हैं, ये वाले, ये मूवेबल जॉ रहते हैं। देखिए जॉब को किस तरह से हम इसमें टाइट करके फाइल से चिकना कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए आप लोग देख लिए बेंच वाइस का उपयोग किस प्रकार से होते हैं और सारे वाइस के बारे में हम आप लोग को बताएंगे।